हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनील कुमार बनोर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद ए वीडियो फॉर 11th फिजिक्स. दैट वन इज द फर्स्ट वीडियो फॉर सेकेंड यूनिट और थर्ड चैप्टर. सो बिफोर वी स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर, वी डिस्कस सम बेसिक थिंग्स दैट इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस बट यू वांट टू नो दैट. मीन्स कुछ ऐसी चीजें, बेसिक चीजें जो सिलेबस में तो नहीं हो सकती पर आपको पता होनी चाहिए. तो क्योंकि आपके सेकेंड यूनिट का नाम ही आइडेंटिटी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. ये मैकेनिक्स स्टार्ट होती है. सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स होते क्या है. अगर मैकेनिक्स की बात करूं, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मीन्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं. जो ये टर्म्स मैंने लिखी हुई, इनकी डेफिनेशन सारी मेरे नोट्स में, वैसे बोल भी रहा हूं पर नोट्स में भी है, लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. इसके बाद में आते हैं आपकी स्टैटिक्स. आप अगर बात करें काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स. मीन्स मैकेनिक्स के तीन सब ब्रांच होती है. पहली होती है स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में क्या होता है, हेयर वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. मीन्स हेयर वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. हम ऑब्जेक्ट की रेस्ट में स्टडी करते हैं. देखो अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, रेस्ट में तो उनकी सबकी स्टडी करते हैं. अभी मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये याद रखो उनकी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. एंड टाइम फैक्टर डजंट प्ले एनी रोल. टाइम फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि रेस्ट में कोई बॉडी है तो टाइम गुजरता रहेगा, बॉडी वही रहेगी, तो टाइम फैक्टर कोई रोल प्ले. दूसरा काइनेमेटिक, दैट वन इज ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट द कोज ऑफ मोशन. मीन्स ऑब्जेक्ट की मोशन में स्टडी कर सकते हैं पर कोज की बात नहीं करते. क्या कोज है, क्या फोर्स है पीछे, या कोई जो चीज है उसको मोशन में लेकर आई, उसकी बात नहीं करते. एंड टाइम फैक्टर प्ले एन इंपोर्टेंट. यहां पे टाइम फैक्टर का एक इंपोर्टेंट रोल है, क्योंकि मोशन है टाइम के बिना तो आपको कंसिडर ही नहीं करते. थर्ड वन, अगेन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद द कोज ऑफ मोशन. यहां पर मोशन की कोज की भी बात करते हैं, फोर्स एक्सेट्रा. अब यहां पे भी टाइम फैक्टर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स अगर मैं काइनेमेटिक और डायनेमिक्स के दोनों की बात करूं, तो काइनेमेटिक में टाइम फैक्टर तो रोल करता है, मोशन में भी है पर कोज ऑफ मोशन की बात नहीं करते, पर डायनेमिक्स में कोज ऑफ मोशन की भी बात करते हैं. ये आपकी चीजें थोड़ी बेसिक है जो मैंने आपको बताई है. मीन्स मैंने बताया मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में उसकी स्टडी करते हैं. अब उसके तीन सब ब्रांच होगी, स्टेटिस्टिक्स ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट मोशन में तो है पर कोज क्या उसकी बात नहीं करते उसके पीछे मोशन के पीछे, और आपका डायनेमिक्स कोज की भी बात करते हैं. अब बात करते हैं आपकी स्टार्टिंग करते हैं रेस्ट और मोशन से. रेस्ट क्या है, इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग आफ्टर द पासेज ऑफ टाइम. देखो मैंने सेंटेंस में क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट doesn't change its position with respect to surrounding after the passage of time, then the object is set in rest. Means object rest. अगर कोई object, ये object है मेरे हाथ में, time pass हो रहा है पर यह अपनी position change नहीं कर, जहां यहीं पर है surrounding के respect में, मेरे respect में, और व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में, दीवार के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो
टाइम पास हो रहा है, पोजिशन चेंज नहीं हो रही, आपका जब पासेज ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां है, रेस्ट में, ये रेस्ट की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर एटसेट्रा। नेक्स्ट मोशन, अब मोशन की बात करूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है और टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, कम भी हो रही है, तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट मोशन हो रही है, लाइक एनी मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, मूविंग एनी व्हीकल, वी आर मूव एनीथिंग एल्स, जहां मोशन, मोशन का मतलब है सराउंडिंग के एस्पेक्ट में पोजिशन चेंज हो रही है। थर्ड, हम टाइप ऑफ मोशन, अब टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं, मोशन अकॉर्डिंग टू देयर पाथ फॉलो, जो पाथ फॉलो करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके हिसाब से मोशन थ्री टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाथ फॉलो, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलो, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलो। इट इज थ्री टाइप्स, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, टर्न नहीं कर रहा है, तो उसकी मोशन होगी आपकी स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन एक ट्रैक, ट्रैक पे जा रही है स्ट्रेट लाइन ट्रैक पे ट्रेन, एनी बॉडी मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे आ रही है इंक्लाइन प्लेन से, एनी बॉडी मूविंग डाउनवर्ड स्ट्रेट, स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रही है बिल्कुल, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड, सर्कुलर रोटेशनल मोशन, इफ एनी बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है, मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर मोशन, लाइक फैन, फैन घूम रहा है, हैंड ऑफ द क्लॉक, घड़ी की सुइयां सर्कुलर मोशन में है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एज डिड मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन का मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, ऐसे मूव करती है, तो ये आपकी सर्कुलर मोशन होगी या रोटेशनल मोशन होगी। थर्ड वन, कोऑर्डिनेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन है, टू एंड फ्रो, एक बार इससे आगे एक बार इसके पीछे ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे ही तो होता है, और वी कैन से शीशा, झूला, झूले पैसे तो मुंह करते हैं, मान लीजिए झूला है ऐसे, ऐसे तो मुंह करते हैं, तो दी जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में आते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इज एनी बॉडी मूविंग एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज वेरी मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर दी है, उसने जो डिस्टेंस कवर की है उसका, उसकी लेंथ उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वहां पे हम बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, मीन उसके साइज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उसको एक पॉइंट मास बॉडी कवर कर लेते हैं, तो दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसे मान लिया आप यहां से 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो आपका साइज उस लेंथ के कंपेयर बहुत कम होता है, तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, तो दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक
कंस्टिट्यूट इन फ्रेम मूवमेंट फ्रेम्स। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स और उसके साथ आपके पास एक क्लॉक भी है, मैं इस टाइम को कंसिडर कर रहा हूं, तो सारे मिलकर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना है द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक कंस्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो तरीके का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे द न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ बल्कि कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ गुड, विच होल्ड गुड न्यूटन फर्स्ट लॉ, मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, या मैं कहूं ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इन रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, या तो रेस्ट में है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, तो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस विच ओबे द न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ का ओबे होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को याद होगा नाइन में पढ़ा था। सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सीलरेटेड या तो इंक्रीज हो रही है स्पीड या स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मींस दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए मैंने, एक इनर्शियल और एक नॉन। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने क्या बताया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक कंस्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपकी डिस्टेंस को कवर करता है, मीन जिसके हिसाब से आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और एक क्लॉक है जिसके हिसाब से टाइम को मेजर करते हैं। जिस टाइम को टाइम जब मेजर करने लगोगे तो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है उसकी, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ का ओबे करता है, नॉन इनर्शियल न्यूटन फर्स्ट लॉ का ओबे नहीं करता। उसके बाद में आता है आपका फिक्टिशियस और शैडो फोर्स, फिक्टिशियस एंड शैडो फोर्स। अब फिक्टिशियस फोर्स या शैडो फोर्स क्या होता है, जो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड सुडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स। मीन्स मोशन और मोशन भी कैसी आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, तो आपका तभी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। तो जो फोर्स इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है That one is called fictitious or pseudo force। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपके नहीं आते हैं, पर कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, वैसे तो मैं आपको एक्स्ट्रा एक पूरा चैप्टर है पर मैं यहां पर थोड़ा स्केलर वेक्टर का आइडिया दूंगा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके एग्जाम्पल है मास, टाइम, चार्ज, स्पीड, डिस्टेंस,
एनर्जी वर्क एटसेट्रा बहुत सारे दीज आर द स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटी दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी फोर्स लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी मीन्स दो तरीके क्वांटिटी होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी मेनली अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन. दैट वन इज स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नेचर के अकॉर्डिंग दो तरीके क्वांटिटी. एक वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. मास है इसका किसी भी डायरेक्शन में उतना ही रहेगा. और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड चाहिए पर डायरेक्शन भी चाहिए. दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखो एक पॉइंट ये ए है थोड़ा सा समझाऊंगा बस एक पॉइंट बी है. ये ए से बी तक जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा है आपने बनाने के बाद को फॉलो किया आप बी पे पहुंच गए और एक आपने शॉर्टकट बना लिया बी पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहा है. इसमें आपने लिख दिया कि यहां से रास्ते से कितना एंगल बनाना पड़ेगा. तो जो ये पाथ फॉलो किया आपने दैट वन इज द डिस्टेंस. यहां पे आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी पर जब डिस्प्लेसमेंट दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस क्या है मिनिमम डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए आपको एंगल चाहिए था रास्ते से कितना एंगल बनाना पड़ा. अगर एंगल कम बन जाता तो आप मीटर नहीं पहुंच पाए. अगर एंगल ज्यादा बन जाता तो भी आप मीटर नहीं पहुंच पाए. तो आपको मीटर पहुंचने के लिए एंगल की नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शन का पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में किस हिसाब से आपको जाना है. तो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपकी डिस्टेंस होगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है उस टाइम में यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आ गए तो उसकी डिस्टेंस होगी 2πr पर डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो क्योंकि इनिशियल पॉइंट हुई है फाइनल पॉइंट हुई है और डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ये आपका थोड़ा सा वेक्टर स्केलर का मैंने हाल का साथ को बताया कि वेक्टर क्या है स्केलर क्या है. अब इसके आगे बात करते हैं ये कुछ डेफिनेशन थे बेसिक डेफिनेशन थी ज्यादा कोई रोल रिपर नहीं है पर थोड़ा पता होना चाहिए. कई बार डेफिनेशन पूछ भी लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट तो इनके बारे में कई बार पूछते हैं. जहां तक वेक्टर स्केलर की बात है वेक्टर स्केलर का तो आगे भी एक चैप्टर है यहां पे थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया और वेक्टर का एक पूरा चैप्टर है वहां पर स्टडी करेंगे. वेक्टर क्या है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा. अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. अभी मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही आपको बताया डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ लेंथ विच इज कवर By a body in a given time. In the card distance. ये distance है total path length जो body ने cover किया है given time में displacement
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। विच इज कवर बाय बॉडी। इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वैसे इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ आप लिख लो टोटल पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी कवर इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जो मेनली पूछा जाता है उनका डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये स्केलर है और ये वेक्टर। दूसरा डिफरेंस इट कैन नोट बी जीरो। ये कभी जीरो होगी नहीं, जो पास रहेगी उसकी लेंथ होगी। अरे बताना शुरू किया तो जीरो नहीं होगी। इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है। अभी मैंने अपना सबूत पास है राउंड कंप्लीट कर दिया जीरो होगी, पर ये जीरो नहीं होगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लैंड पार्ट इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। थर्ड इट इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी या उसे ग्रेटर होगी, कभी स्मॉल नहीं होगी। एंड इट इज इक्वल और स्मॉलर देन the distance, या तो इक्वल होगी या उससे स्मॉलर होगी। दैट मीन इज द पाथ लेंथ इट इज द पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ। एंड डेफिनेशन बता रही है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होगी डिनोटेड बाय बी, ये लिखा हुआ बी से डिनोट। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड
इन यूनिट टाइम. मेंस डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैं आपको यही आपको वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूं साथ के साथ. दूसरी है वेलोसिटी. जो हम वेक्टर को डिनोट करते हैं उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं तो इसका मतलब वेक्टर है. इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है. वेलोसिटी इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपकी वेलोसिटी. मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये स्पीड होगी कि वेलोसिटी होगी. डिस्टेंस वैल्यू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू टाइम. मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस प्रैक्टिकल सिंपल होता है. इसको कई बार एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, इसको भी कई बार एक्स से डिनोट कर देते हैं. ये हो गया. अब ये पॉइंट इसकी यूनिट क्या होती है. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड मीटर पर सेकंड. डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड मीटर पर सेकंड. डाइमेंशनल फॉर्मूला एम की तो जीरो एल टी माइनस वन. देखो डिस्टेंस के लिए एल और टाइम के लिए टी और नीचे है तो माइनस वन. ऐसे इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला एम की पावर जीरो एल टी माइनस वन. आप चाहो तो एल टी माइनस वन भी लिख लेते हैं इसको. एम की पावर जीरो किसी की पावर जीरो तो वन हो जाता है. ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. ये कैसी क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी. अब टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये चार तरीके टाइप ऑफ वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी.
चार डिग्री आपकी स्पीड, चार डिग्री मेजर। अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। इन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्प्लेसमेंट if any object cover equal displacement in equal interval of time, then the speed velocity is called uniform. देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने पहले सेकंड में 10 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर कवर किया, तो वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स हर एक सेकंड में हर एक बार 10 मीटर कवर कर रहा है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल होता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तीसरे का भी 10 मीटर, चौथे का भी 10 मीटर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल होता है। सेकंड वन नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल कवर करता है, मीन्स पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 8 मीटर, उससे अगले सेकंड में 5 मीटर, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर, उससे अगले सेकंड में 2 मीटर, उससे अगले सेकंड में 7 मीटर, उससे अगले सेकंड में 9 मीटर, तो हर एक सेकंड में डिस्टेंस अलग अलग है, तो दैट मीन अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ही यहां पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहले सेकंड में 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, चौथे सेकंड में -7 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस भी हो सकता है, पांचवें सेकंड में 0 डिस्प्लेसमेंट, तो ये हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, दैट वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो जब यूनिफॉर्म हमने बता दिया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है या स्पीड है, यूनिफॉर्म में चेंज नहीं हो रही, पर नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो रही है, कई बार कुछ है कई बार कुछ है, एक सेकंड के लिए 5 है, एक सेकंड के लिए 2 भी है, एक सेकंड के लिए 8 भी है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, या तो उसका एवरेज फाइंड करते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस किसी भी स्टैंड पे, तो एवरेज क्या होता है, इट इज द रेशो टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर टू टोटल टाइम टेकन, एज इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज की जब बात करते हैं तो इसके ऊपर बार दे देते हैं, बार बार नंबर एवरेज होते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मीन्स बी बार इज इक्वल टू, अगर मान लिया ये ऑब्जेक्ट है टी वन टाइम पे, इसकी एस वन पोजिशन है, टी टू टाइम पे एस टू पोजिशन, मीन्स टी वन टाइम पे 7 बजे
ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और 7:30 बजे ये ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर आगे चला गया, तो डिस्टेंस कितनी का और किसने H2 - S1। ये जो पोजीशन है मान ली यहां पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन से 10 मीटर था, अगर ये ओरिजिन से 50 मीटर है तो 50 - 10 = 40, तो H2 - S1 अपॉन टाइम कितना दिया T2 - T1, दैट वन इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, डेल्टा मतलब डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज। ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसको भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बात लगा लेते हैं, मीन्स एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो दैट वन इज मान लिया T2 टाइम पे पोजीशन H2 है और T1 पे H1 है, तो दोनों का डिफरेंस H2 - S1 और टाइम T2 - T1, दैट वन इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आपका एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी। अब बच गई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। फोर्थ वन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज टाइम इज नियर टू जीरो, मीन्स किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे, मीन्स दो जगह के बीच का डिफरेंस टाइम का बहुत कम है, T1 और T2 का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इस मायने में अब कहा तो अभी के अभी, ये नहीं कि मैंने कहा उसको वहां तक सुनने में टाइम लगा वो टाइम नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट पे पल पे, पल के भी छोटे पार्ट पे, तो दैट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन डेल्टा टी की वैल्यू मिनिमाइज होनी चाहिए, बहुत छोटी से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, कैसी है नॉन यूनिफॉर्म है तो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, टाइम जितना कम रहेगा स्पीड उतनी कम चेंज होगी, तो इस वजह से एक्यूरेसी होगी उसी टाइम में, तो दैट वन इज डी एच ओवर डी टी। ये डी एच ओवर डी टी इसका डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा एक वीडियो में। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट वन इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वही टाइम इज नियर टू जीरो, वही चीज है मीन्स वी, बस लेटर लगा लो फिर, देखो बाहर तो एवरेज था या फिर बाहर हटा दिया तो इंस्टेंटेनियस आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी, ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा सा देखो अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म में तो स्पीड चेंज नहीं होती, वही इंस्टेंटेनियस है वही एवरेज है, हर जगह सेम नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट होती है,
पर अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो एवरेज मीन्स ओवरऑल का सारी वैल्यू निकाला और इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंट। तो ये दोनों में ही वर्क करता है। यूनिफॉर्म में तो सारी चीजें एक ही है, तो हमने यूनिफॉर्म कहकर वो सारी चीज छोड़ दी। यूनिफॉर्म में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्म है, पर नॉन यूनिफॉर्म में जब आप कहेंगे तो एवरेज अलग आएगी, इंस्टेंटेनियस अलग आएगी। मे बी सेम हो सकती है पर बहुत कम चांस है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफ्रेंसिएशन किया था, मैंने डिफ्रेंशिएट किए थे, ऐसे ही हम स्पीड और वेलोसिटी को करेंगे। वैसे तो आपको पता लग चुका है क्या होना है, पर फिर भी डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी। फर्स्ट इट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक तो डिफरेंस ही है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। सेकेंड वन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, टाइम तो पॉजिटिव होने वाला, टाइम को भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वही चीज जो आपने पहले किया था। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट यहां से गया और एक घंटे बाद वापस यहीं पर आ गया, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जीरो पॉइंट टाइम जीरो, तो जीरो पे उसके नेगेटिव थी पॉजिटिव, ये आपने पॉजिटिव हो। थर्ड वन इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, that one is it is displacement per unit time, वो distance per unit time है, displacement per unit time। unit दोनों भी same होती है, dimensional formula दूंगा फिर मैं, बस vector और scalar का अंतर है। fourth one it is always greater or equal the it may be, maybe कर लीजिए always मतलब greater or equal the velocity, it may be smaller or less than, sorry, it may be less than or equal to the speed। बस ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी से स्पीड या ज्यादा होगी या इक्वल होगी, ऐसी स्पीड वेलोसिटी स्पीड क्या तो इक्वल होगी या छोटी होगी, स्पीड बड़ी होगी या इक्वल होगी, स्पीड इट इज नेवर बी लेस देन द वेलोसिटी, इट मे बी लेस देन द, ऐसा भी कर, इट नेवर बी लेस देन द, ऐसा इसलिए इट नेवर बी लेस देन द वेलोसिटी, इट मे बी लेस देन द वेलोसिटी। ये आपका स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बाय द ग्राफिकल ट्रीटमेंट हम बात करेंगे और उसमें एक टॉपिक हो जाएगा छोटा टाइम चैप्टर है, 3-4 टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा या आप कमेंट करके मंगा देना। इसके बेस पर न्यूमेरिकल है खासतौर से एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बेस पर। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो।